हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतशा रुबा। पिछले वीडियो में आप लोगों ने 10th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस टॉपिक तक पढ़ा था। अब आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। इवेंट्स मतलब होता है कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस जब ग्रीन प्लांट्स में होता है तो उसमें कौन कौन सी केमिकल और बायोलॉजिकल जो है इवेंट्स होते हैं, घटनाएं घटती हैं। अब देखिए, इसमें इन इवेंट्स को पॉइंट वाइज दिया गया है। मेजर इवेंट्स, पहला दिया गया है एब्जॉर्प्शन। पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? अवशोषण। मतलब जब फोटोसिंथेसिस होती है तो लाइट एनर्जी जो होती है वो क्लोरोफिल द्वारा, क्लोरोफिल उसको क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है जो कब होती है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होती है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल के द्वारा। दूसरा देखिए, कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ लाइट इंटू एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट है, जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है और वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। ये प्रोसेस जो होती है, ये सारी प्रोसेस लीफ के अंदर हो रही है, क्लोरोफिल के अंदर हो रही है। क्लोरोफिल आप लोगों ने पिछले उसमें प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जिसमें स्ट्रोमा और ग्रेना होता है। तो ये सारी रिएक्शन जो होती है लाइट रिएक्शन, वो स्ट्रोमा में हो रही है। तो कन्वर्जन जो है आप लोगों का, कन्वर्जन केमिकल लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड इवेंट है रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब जो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हुई है लीफ के अंदर, उसका रिडक्शन होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट में। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे दिया गया है, पिछले हमने उसमें बताया था कार्बोहाइड्रेट ही प्लांट का मेन फूड मटेरियल होता है। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज C6H12O6। ये किसी भी ग्रीन प्लांट का मेन फूड मटेरियल होता है। तो ग्लूकोज जो है वो एक मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब वो ग्लूकोज ही प्लांट का मेन फूड मटेरियल है। तो जब किसी भी लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है तो ये तीन इवेंट्स जो है वो आते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल के द्वारा, उसके बाद कन्वर्जन होता है, और तीसरा जो होता है वो रिडक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है, मेन फूड मटेरियल ग्लूकोज बन जाता है C6H12O6, और ये जाके स्टोर हो जाता है। उसके बाद जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वह ATP में कन्वर्ट होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस और क्लोरोप्लास्ट। साइट मतलब होता है